जय नमस्कार। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना साहब के लोकप्रिय उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद जी, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पाटलिपुत्रा के लोकप्रिय उम्मीदवार रामकृपाल यादव जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय नितिन नवीन जी, दानिश इकबाल जी, सम्मानित सभी मीडिया के साथीगण, आज एक सूचना आप लोगों को देनी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यह इतिहास में पहली बार बिहार की पावन धरती पर पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी का रोड शो होने वाला है और 12 तारीख को संध्या के समय जो है पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के माध्यम से रोड शो का कार्यक्रम किया जाएगा और वो बेली रोड से चलकर आएंगे और पूरे आपके डाकमंगला के इलाका में रोड शो का कार्यक्रम होगा और पूरे प्रदेश को यह संदेश देने का काम करेंगे कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत के विकास के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत के संविधान को बचाने का काम किया है, भारत के सभी वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था और सुदृढ़ करने का काम किया है, ये सारे चीज उस रोड शो के माध्यम से आपको बिहार की झलक में दिखेगी और बिहार के लोगों ने जो तैयारी किया है, पटना के साथ साथ बिहार के लोग उस दिन उपस्थित होकर आपको संदेश देंगे कि देश को समृद्ध बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, उसकी पूरी झलक भी आपको उस कार्यक्रम के माध्यम से दिखेगा। धन्यवाद। उम्मीदवार के रूप में मैं और पाटलिपुत्रा के उम्मीदवार के रूप में रामकृपाल जी, हम दोनों बहुत खुश हैं कि हमारे क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और साथ ही बिहार से भी कार्यकर्ता आएंगे, उनका स्वागत करने, उनको प्रणाम करने। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि मैं इतिहास खंगाल रहा था तो जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक पटना में किसी प्रधानमंत्री ने रोड शो नहीं किया। गांधी मैदान में आए हैं, भाषण दिए हैं, लेकिन जनता के साथ रूबरू होना, उनके बीच से गुजरना, एक लंबी सड़क यात्रा के माध्यम से मोदी जी ने, अगर आप दुनिया के कैंपेनिंग के मानक को देखेंगे तो रोड शो के माध्यम से एक नया मानक था। हम सभी बहुत प्रसन्न होंगे, आप सबों का भी स्वागत है, आइए, आप लोग इस रोड शो में शामिल होइए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूँ, आज बहुत ही आश्चर्य सुखद है अनुभव लोग प्राप्त कर रहे हैं कि मेरे घर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और सचमुच में मेरे राजनीतिक जीवन का लंबा कैरियर, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री रोड शो कर, बहुत उत्साह है उसे पटना में बल्कि पाटलिपुत्रा के गांव गलियों तक की आवाज और मोदी जी को स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। पूरे बिहार में एक उत्साह का माहौल है, पटना साहिब में तो आई है, पटना साहिब में मेरा घर है, मेरे घर में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं और आप मेरे वोटर भी हैं। हाँ बिल्कुल, हम वोटर भी, इधर हमारे विधायक ये हैं, हमारे सांसद ये हैं और हमारे छोटे भाई ये हैं, इतना सुगत संयोग है, एक छोटा भाई ये है, तो इसलिए बहुत उत्साह था और सचमुच में नजारा दिखेगा। कितने तारीख को? 12 तारीख को हम अपील करना चाहेंगे पाटलिपुत्र की जनता को, कार्यकर्ता को, आइए और मोदी जी का स्वागत करिए। धन्यवाद। आदरणीय नितिन नवीन जी से आग्रह है कि वो सिर्फ एक आग्रह मैं पटना वासियों से जरूर करूंगा
बिहार से लोग आएंगे, बाकी आएंगे, बहुत उत्साह रहता है। जैसे मालूम हुआ है हम लोग को फोन कर रहे हैं, तो पटना के हमारे निवासी उनके घर के सामने से गुजरेंगे, बड़ी संख्या में उनका स्वागत करें, फूल से अपने घरों को सजाएं। उनके लिए आज बहुत ऐतिहासिक अवसर है अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने का। देश भर में जैसे लोग दीपक से, फूलों से, लड़ियों से उनका स्वागत करते हैं अपने घर के सामने, मैं आग्रह करूंगा सारे पटना वासियों से कि सबको पे आए पाटलिपुत्रा के हमारे वासियों से और प्रधानमंत्री का उत्साह के साथ स्वागत करें। मुझे मालूम है कि पटना की जनता बहुत स्नेह करती है प्रधानमंत्री से, उनके प्रतिनिधि के रूप में हम जानते हैं रामकृपाल जी का, नितिन नवीन जी का, अध्यक्ष जी तो स्वयं इस इलाके से बहुत सक्रिय रहते हैं। तो बिहार की जनता आएगी, पटना की आएगी, ग्रामीण इलाके की आएगी, बख्तियारपुर हो, भथुआ हो, पाटलिपुत्रा हो, फुलवारी हो, दानापुर हो, लेकिन पटना महानगर से भी जनता बड़ी निकलने वाली है। तो खूब स्वागत करें, घरों को सजाएं और प्रधानमंत्री का स्वागत करें, अपील करना। धन्यवाद। आपके प्रश्नों को एक एक करके नितिन नवीन जी, सभी मीडिया के अपने मित्रों, जैसा सम्माननीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया, ये हम सबों के लिए बहुत गौरव का क्षण है और पटना साहिब उम्मीदवार के रूप में मैं और पाटलिपुत्रा के उम्मीदवार के रूप में रामकृपाल जी, हम दोनों बहुत खुश हैं कि हमारे क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और साथ ही बिहार से भी कार्यकर्ता आएंगे, उनका स्वागत करने, उनको प्रणाम करने। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि मैं इतिहास खंगाल रहा था तो जब से देश आजाद हुआ है तब से आज तक पटना में किसी प्रधानमंत्री ने रोशनी गांधी नाम आए हैं, भाषण दिए हैं, लेकिन जनता के साथ रूबरू होना, इनके बीच से गुजरना, एक लंबी सड़क यात्रा के माध्यम से मोदी जी ने, अगर आप दुनिया के कैंपेनिंग के मानक को देखेंगे तो रोड शो के माध्यम से एक नया मानक है। तो हम सभी को बहुत पसंद होंगे, आप सबों का भी स्वागत है, आइए आप लोग इस रोड शो में शामिल होइए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय सम्मानीय नेता और पटना साहिब के उम्मीदवार आदरणीय शंकर शंकर जी, हमारे छोटे भाई और बहुत प्रिय बिहार सरकार के माननीय मंत्री जी, आज जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, बहुत ही आदर्श सुखद अनुभव लोग प्राप्त कर रहे हैं। मेरे घर देश के सबसे प्रधानमंत्री ही बाहर है और सचमुच में इंदिरा गांधी जीवन का लंबा कैरियर मैंने कभी नहीं देखा कि कोई प्रधानमंत्री और सुंदर, इसे बहुत उत्साह है। उसे पटना में उनकी पार्टी गुजर के गांव गलियों के की आवाज पर मोदी जी को स्वागत करने के लिए आ रहे हैं। पूरे बिहार में एक उत्साह का माहौल, पटना साहिब में तो आई है, पटना साहिब में मेरा घर, मेरे घर में आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं और आप मेरे वोटर भी हैं। हाँ बिल्कुल, हम वोटर भी, हमारे विधायक ही हैं, हमारे सांसद हैं और हमारे छोटे भाई हैं, नाम से जाना जाता है, ये आपका है और उसके अलावा यह पूरा इलाका तो अनंत बाहु का इलाका है। यहां तो ऐसे भी कम अन्याय होता था, अनंत बाबू न्याय करते थे, तो ये तो उनका इलाका है और इसीलिए वो छोटे सरकार के नाम से ज्यादा जाने जाते थे। आज भी है, कल आपके यहां आए थे तो वो कल आए थे, मेरा भी आज फर्ज था इसलिए आज हम आपके बीच आए। लेकिन हम आप एक बात हम आपसे कहने के लिए आए, जरा याद करिए नीतीश कुमार जी 2005 के नवंबर में मुख्यमंत्री बने, उसके पहले का याद करिए
नया नौजवान लड़का सबका तो वो दिन नहीं देखा है। ये नया नौजवान लड़का जिसका 25 साल 30 साल उम्र हुआ है, ये तो जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो 6 साल 7 साल का था, तो इसको तो कोई अनुभव ही नहीं है। लेकिन जो बुजुर्ग लोग यहाँ हैं, उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी के राज को देखा है, जहां आतंक का राज चलता था और जंगल राज चलता था, कोई शाम के बाद निकलना नहीं चाहता था, बहु बेटी तो खास करके शाम के बाद नहीं निकलना चाहती थी, कहीं सड़क नहीं था, कहीं सड़क नहीं था, कहीं बिजली नहीं थी, बिजली के नाम पर कहीं कहीं अगर तार था तो उसमें बिजली नहीं आती थी, उस पर लोग कपड़ा सुखाते थे, काहे कि लाइन धोना ही नहीं था, और भूले भटके कभी अगर लाइन आ गया तो लोग इतना खुश होते थे जैसे लगता था कि घर में दिवाली मना रहे हो, आग लो बिजली, आग लो बिजली, आग लो बिजली। और जब चला जाता था तो कभी कोई सोचता भी नहीं था कि कहीं आप बिजली आए। यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय विकास गुरु ललन बाबू और अस्थामा विधायक जी और यहाँ पर सारे अभिभावक जो हमारे जनता मालिक और ये भी कह सकते हैं कि हमारे गार्जियन को मैं हाथ जोड़कर यहीं से प्रणाम करती हूँ और आप लोग से विनम्र आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि 13 मई को तीर छाप पे बटन दबाकर और भारी मतों से जीत दिलाएं, क्योंकि मैं आपकी यहाँ की बहू हूँ और मेरा हक है आपसे हाथ जोड़कर विनती करने का। और आपके जो छोटे सरकार हैं, यहाँ के बेटा हैं, उनका भी हक बनता है आपसे अनुरोध करने का और हाथ जोड़कर विनती करने का। और इन्हीं चंद शब्दों में मैं अपनी बात को रखी, इसके लिए धन्यवाद है। देखिए, प्रदेश का प्रधानमंत्री है, वो किसको खत्म करना चाहता, किसी को मरवाना चाहता, किसी को खत्म कर देना, भी हम क्या कर सकते। लोकतंत्र में विपक्ष जो होता है वो सरकार का आईना होता है, आँख होता है, उनको दिखाया जाता है। लोकतंत्र में जब तक विपक्ष रहेगा तभी हमारा देश रहेगा, जब विपक्षी नहीं रहेगा तो देश कहाँ रहेगा। और ये नहीं चाहता है कि देश में विपक्ष रहे, विपक्ष को हर तरीके से ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच है कि देश में विपक्ष को ख़त्म कर देना। और कभी भी सरकार का खूबसूरती किस में होता है, जब विपक्ष उनको विधानसभा हो, विधान परिषद हो या लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सरकार का किया हुआ काम को अगर आईना दिखाए तभी वही देश होता है, नहीं तो फिर तो वो राजा वाला ही काम हो जाएगा, हिटलर वाला काम होगा, राजा जो चाहेगा वही होगा, जो हिटलर चाहेगा वही होगा, उसके सामने कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। तो अगर उनको अगर राजा बनना है, हिटलर बनना है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। अगर उनको देश के प्रधानमंत्री बनना, अच्छे नेता बनना है, तो सबसे पहला ज़रूरी है कि विपक्ष को ज़िंदा रखना। तो आज उनका कर्तव्य है कि अगर हमारे संविधान को ज़िंदा रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को बहाल करना चाहते हैं, तो विपक्ष को ज़िंदा रहना चाहिए। लेकिन इन तो अभी नहीं चाहते जिंदा रहे, ख़त्म करना चाहते। देखे ना कि यहाँ पर हमने आपको बयान दिया, बयान से थोड़ा तकलीफ हो गया मोदी जी को, और यहाँ से मुड़े और सिवान के बाद जैसे सीतामढ़ी पहुँचे सुरक्षा गायब हो गया। तो ये लोकतंत्र में सही नहीं है। अब फिलहाल मोदी जी कर रहे हैं तो अभी हम क्या कर सकते भाई, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, और तो है हमारे देश के जनता को पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और देश का जनता है ना 4 तारीख को निर्णय लेंगे। आरक्षण को लेकर सियासत तेज है, लालू जी ने जब से कहा है मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए तो उसके बाद सियासत तेज है। क्या मोदी जी ने नहीं दिया मुसलमान का आरक्षण? सामान्य जो EWS आरक्षण लागू हुआ सामान्य वर्ग का, उसमें मुसलमान को आरक्षण नहीं है, शेख पठान को आरक्षण नहीं है। ये क्या ये फालतू वाला सब काम कर रहा है? देश के संविधान में सीधा लिखा हुआ है हर जाति धर्म के हर लोगों को, नागरिक को लेके साथ लेके चलना है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? इन्होंने नहीं किया क्या? अभी बताइए ना मेरे को, सामान्य वर्ग का जो आरक्षण मोदी जी किए EWS,
जिसमें शेख पठान का आरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। शेख पठान मुसलमान नहीं है, है ना? किसने बोला धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा? धर्म का आरक्षण धर्म के नाम पे नहीं, धर्म के नाम पे कभी संविधान में आरक्षण दिया ही नहीं जा सकता है। धर्म के नाम पे आरक्षण कभी दिया ही नहीं जा सकता है। सामाजिक आरक्षण के लिए समाज जरूरी है, जो धर्म के नाम पे आनंद सिंह जेल से बाहर निकले शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए सरकार का यूएसपी रहा है कि ना बचाते हैं ना फंसाते हैं। अब मोदी और नीतीश जी जो करेंगे अरे हाँ नहीं तेजस्वी वाला अभी आरक्षण वाला क्वेश्चन आरक्षण को लेकर तेजस्वी जी लगातार घमासान मची हुई है। जब से लालू जी बोले वो पहले ये बदकर घुमा भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि वो संविधान और आरक्षण क्यों खत्म करना चाह रहे हैं। एक बार नहीं कई बार, और थोड़ा जानकारी भाजपा के लोगों को होना चाहिए। जब महागठबंधन की आरजेडी की सरकार थी 17 महीने तो हम लोगों ने जाति आधारित गन्ना कराया। जब हम लोगों ने जाति आधारित गन्ना कराया तो सॉलिटेयर जनरल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया भाजपा के लोगों ने इसके खिलाफ। खैर जो भी है, उसके बाद हम लोगों ने जब जाति आधारित गन्ना पूर्ण हो गया तो हम लोगों ने तो 75% आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। जो किए हैं वो तो दिखाओ, और उसमें सबका बढ़ा आरक्षण, तो हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ाया है पूरे देश में। अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं आरक्षण है तो वो 75% आरक्षण बिहार में। और भाजपा के लोग साफ तौर पे कहते हैं कि 400 लाओ हम संविधान को ख़त्म कर दें। आज तक उन नेताओं पे प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई नहीं की, तो ये साफ दिखाता है कि आरक्षण को समाप्त करने वाले पार्टी लोग कौन है ये। और ये सब देखो, हमारा धर्म शास्त्र क्या सिखाता है, धर्म के साथ साथ कर्म की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने 10 साल तक कर्म क्या किया है थोड़ा बता दे, कर्म के बारे में थोड़ा। 10 साल में बिहार के लिए क्या किया? केवल झूठ बोला, झूठी बोलना उनका काम है, भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, बांटना, यही उनको आता है और वो ही कर रहे हैं। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद आपका जो खानदान है लालू जी का जो खानदान है वो समाप्त हो जाएगा, अश्विनी चौबे ने कहा है। बड़े लोग हैं, अब उन पे क्या टिप्पणी करना है? और ये कोई मुद्दे की बात है क्या? इससे लोगों को नौकरी मिल जाएगी, इससे महंगाई खत्म हो जाएगी, इससे गरीबी खत्म हो जाएगी, इससे किसानों का आय दुगुना हो जाएगा, बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। देने वाले लोग तो यही हैं, केंद्र में राज्य में 40 में 39 सांसद इनके, जिन्होंने कुछ नहीं किया उनका क्या होगा? जनता इस बार उनको खत्म करेगी। बिहार के बाद अब झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। हाँ, तो वहाँ भी अपना अलायंस है, अपना कैंडिडेट पलामू क्षेत्र से हम लोग लड़ रहे हैं जी। और इस बार इंडिया अलायंस की जो है सरकार बन रही है। मोकामा की माननीय विधायिका श्रीमती नीलम देवी जी, अस्थामा के माननीय विधायक श्री जितेंद्र जी, शेखपुरा के पूर्व विधायक माननीय रणधीर कुमार सोनी जी, यहाँ उपस्थित एनडीए के सभी सम्मानित नेतागण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, आप सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री और 18 साल अब लगभग उनका होने जा रहा है मुख्यमंत्री के रूप में। उसके पहले नीतीश कुमार जी क्या थे? मुख्यमंत्री बनने के पहले नीतीश कुमार जी क्या थे? नीतीश कुमार जी आप ही के सांसद थे और इस बार लोकसभा क्षेत्र के सांसद थे, और आप लोगों ने नीतीश कुमार जी को 5 बार
लोकसभा में भेजा और वही कारण है कि नीतीश कुमार जी को बिहार की गद्दी मिली और 18 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं। ये आपका, हम आपका नमन करते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं कि बाढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने, मतदाताओं ने एक ऐसे व्यक्ति को प्रोजेक्ट किया जो आज पूरे देश नहीं पूरे दुनिया में जिसका नाम चमक रहा है, जो विकास पुरुष। तो जब तक आप समाज में ये सुधार नहीं लाएंगे कि मेरे भाई तुम पाकिस्तान और पुलवामा के लिए वोट दे रहे हो जबकि तुम्हारे बच्चे लाकर गुजरात में तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे हैं, तो तुम्हारा भला कैसे होगा। जितने मुसलमान समाज के लोग हैं, मैं 18 महीना से पैदल चल रहा हूँ, 5,000 से ज्यादा गांव में जाने के बाद मैं रोज मंच से कहता हूँ कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल फटेहाल अगर कोई बिहार में है तो मुसलमान है। लेकिन 32 साल से मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा है। इस 32 साल में मुसलमानों ने कभी ये नहीं पूछा लालटेन से कि आप सड़क मंत्री हैं तेजस्वी जी, हमारे गांव में सड़क क्यों नहीं बना। आप ग्रामीण कार्य मंत्री हैं लेकिन हमारे गांव की नालियों गलियों की दुर्दशा क्यों है। आप स्वास्थ्य मंत्री थे, हमारे बच्चों के लिए अस्पताल दवा डॉक्टर क्यों नहीं है। आप शिक्षा मंत्री थे, हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई क्यों नहीं। मुसलमान इन सारे परेशानियों के बावजूद जाकर उसी लालटेन को वोट दे रहा है। इस बार प्रधानमंत्री को जाना तय है, कहा विदाई होनी तय है भाई। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अगर इसको वो जाना कह रहे हैं तो बिल्कुल ये बात तय है कि वो जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जितना ध्यान ये विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, इतना ध्यान अगर अपने प्रत्याशियों पे दे दे तो संभवतः उनकी जमानत बच जाएगी। जितना समय ये लोग व्यर्थ की बातों को मुद्दा बनाने में ये लोग लगाते हैं, बिहारियों की चिंता कर लेंगे, उनसे जुड़े विषय अगर ये लोग उठा लेंगे तो संभवतः इनके प्रत्याशियों का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। और जितना समय ये मेरे प्रधानमंत्री पर बिताते हैं उसका 10% समय भी इनके गठबंधन के राष्ट्रीय नेता अगर बिहार और बिहारियों को दे देंगे तो शायद बिहारियों का थोड़ा विश्वास उन लोगों पर भी हो जाएगा। मेरे प्रधानमंत्री तो लगभग हर एक चरण में बिहार आने का उन्होंने काम किया। अभी भी 12 तारीख को आ रहे हैं, प्रवास भी करेंगे, 13 को भी कार्यक्रम करेंगे, 12 को उनका संभवतः प्रस्तावित है रोड शो वगैरह ये भी करेंगे। पर बताए ना कि इनके गठबंधन के जितने राष्ट्रीय नेता हैं कहाँ हैं वो? क्या उनके लिए बिहार कोई मायने नहीं रखता? क्या उनके लिए बिहारी कोई मायने नहीं रखते? कांग्रेस के कितने बड़े नेता यहाँ पर आए और कितनी बार आए? देश का प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होने के बावजूद इतना समय बिहार और बिहारियों को दे रहे हैं, ये उनकी चिंता बिहारियों के प्रति दिखाती, उनके मन का सम्मान हम लोगों के प्रति दिखाता। तो ऐसे में ऐसे प्रधानमंत्री को देश की जनता बार बार चुनकर प्रधानमंत्री बनाएगी। तो जो ये कह रहे हैं ना कि वो जाएंगे शपथ लेने,